सोलन में नगर निगम के पहले चुनाव 4 बजते ही संपन्न हो गए थे। उसके बाद 1 घंटे का समय कोविड संक्रमित मतदाताओं को दिया गया। चुनाव संपन्न होते हुए भाजपा और कांग्रेस इस चुनावी जंग में जीत का दावा कर रही है। नगर निगम के चुनाव का परिणाम आज देर शाम तक घोषित किया जाएगा। सभी प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन तेज हो चुकी है। सभी अपने समर्थकों के बीच अपना समय बिताते नजर आ रहे हैं। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस मौके पर वह पूर्ण आश्वस्त है कि सोलन में भाजपा की नगर निगम बनेगी और भाजपा का मेयर ही नगर निगम पर काबिज होगा। जब पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप से पूछा गया कि कांग्रेस भी अपनी नगर निगम का दावा कर रही है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज के समय में कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है और न ही सोलन की जनता को कुछ वह दे सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की कोई फंड की कमी नहीं आने वाली है। यह सोलन की जनता जानती है और इसीलिए वह भाजपा के पक्ष में मत डालकर सोलन में भाजपा की नगर निगम बनाने वाले हैं। नहीं, खैर उनको भी, वो अपनी बात को रख सकते हैं, परंतु जो एक स्पष्ट लोगों का जो मन बना है वो हम यही देख रहे हैं कि सरकार के साथ ये निगम, सोलन की जनता सरकार के साथ खड़ा होना चाहती है और आने वाले दिनों में निगम के माध्यम से जो यहाँ का विकास होना है वो केवल मात्र प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार ही दे सकती है, ये लोगों का मन है। क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, बोलने के लिए सब कुछ है। वो चांद को भी धरती पर ला सकते हैं, चांद सितारों को भी वो धरती पर ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसा उत्साह अभी इन चुनावों में हमने देखा है, पोलिंग अब लगभग समाप्त होने वाली है, पर जहाँ पर भी हम गए हैं सारे निगम के क्षेत्र में, लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। उसका मुख्य कारण मैं समझता हूँ, एक तो निगम अपने आप में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो है वो श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने सोलन के लिए दिया है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से सोलन के लोग जो हैं वो मांग रख रहे थे कि ये निगम बनना चाहिए, परंतु निगम जो है वो कांग्रेस की सरकार बना नहीं सकी थी और जयराम ठाकुर ने उस निगम को बनाया है। और यहाँ पर जितनी भी कमियाँ विकास की दृष्टि से जो नज़र आ रही थी, तो मेरा यही मानना है कि लोगों ने सोचा है कि प्रदेश की सरकार भी भाजपा की है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। क्योंकि मेरा भी मानना है, सांसद के तौर में भी 10 साल मैंने देखा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश को, वो केंद्र की सरकार ही दे सकती है। और केंद्र की सरकार अगर हमारी है तो इसका मतलब कि हम वहाँ से ज़्यादा पैसा जो है वो अपने सोलन के निगम में, जहाँ पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगने हैं, वहाँ केंद्र की सरकार वो हमको पैसा देगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी में? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, चुनावी कबड्डी शुरू हो गई है। हैं? चुनाव और कबड्डी, चुनावी धाम खानी है तो हमारे साथ चल, वरना खुद बनाकर खा या भीख मांग कर खा। Oh, no. भीख तो आजकल नेता लोग मांग रहे हैं वोटों की, और तुम जैसे लोग उनसे भी आस रख रहे हो नोटों की। हैं? अरे छोड़ो, बात ना करो इन लपोटों की, इनके कारण ही जनसेवा राजनीति बन गई खोटों की। बहुत सही खेल गए चाचा।